Jalwa. Jalwa. Yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on. Jalwa. अब रिजल्ट्स की बारी हो रही है, यहाँ पे वही बहस चल रही थी, तो खावर साहब जरा आप सबको फिर बोले और खुद भी जज करें आपका, तो फाइनल करना बहुत ये बड़ा सबसे मुश्किल जो मरहला था वो कि इन बच्चों के लिए खुद से स्टिचिंग करना, वरना ये होता है कि कपड़े की और से बन के आते ही होता है, लेकिन माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा स्किल है और काम देखते हैं बाकी जजेस क्या कह रहे हैं इस बारे में। जी फहद, अच्छा जी, और आपका कौन सा काम ये वाला किया जी इन्होंने, आप इसके बारे में क्या किया? I think it's nice, like the white vesti made a favorite, but I think you can see the effort and the little, like the frills and brooch, I think it's even the pleats. I'd like to suggest you something for future reference. अच्छा, कल जो स्केच बनाया था मैं उसमें बता दूं कि ये जीती थी हमारी लारेब, इसलिए कि इनको कहा गया था कि इन्होंने गाउन में एक सिंपल और वेयरेबल गाउन जो है डिजाइन किया, बट हमेशा से होता ये था कि जो डिजाइन में बनाता था स्टिच पे जब आता था तो वो हमारे जितने पिछले मरहले थे उसमें वो इतना चीज वैसी क्रिएटिव नहीं दिखा सकता था, ना फिर वो गाउन की एग्जैक्टली फॉर्म, बट अब आप देख लें कल तो ये मरहले में जीती थी, मगर अब कौन इलस्ट्रेशन में सिलने के बाद कपड़े शक्ल देने के बाद एग्जीक्यूशन हुई कपड़ों की। एग्जीक्यूशन वाइज तो आई थिंक आई लाइक हर्स, नॉट बिकॉज इट्स ब्लैक और एनीथिंग, बट एग्जीक्यूशन वाइज आई थिंक द प्लीटिंग्स एंड द पाइपिंग एंड द ब्लेंडिंग ऑफ और जस्ट द फैक्ट आपके धागे बहुत ज्यादा लटके हुए हैं, जस्ट टोल्ड यू दैट इन योर मिडिल ब्रेक एज वेल दैट यू नीड टू फिनिश योर गारमेंट नो रिगार्डलेस, बट अपार्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिजाइन आई थिंक यू हैव डन अ गुड एग्जीक्यूशन, इसके धागों के नंबर बहुत ज्यादा कटेंगे अलबत्ता। और ये भी मैं बता दूं कि आज जो फाइनल जीतेगा वो ही मेरे कल के कपड़े डिजाइन करेगा, मैं कल उसके कपड़े पहनूंगी। ओह वाओ, बल्कि आई कैन गेट चांस कि आप पूरे वीक के कपड़े डिजाइन करें, इससे ज्यादा क्या और एनकरेजमेंट मिलेगी, है ना? इससे बड़ा कपड़े पहन के वो और क्या, पूरा हफ्ता मनाऊंगी बच्चा पार्टी। एक्चुअली आई डोंट माइंड दैट एज़ वेल, like I would like to give you a suggestion for future reference, I mean whatever the results may be, when you're trying to do too many things in one garment it's always better to choose one thing, like you could just have those emblems with embellished emblem that you're using, or you could just have the ruffles, you've overworked your design in terms of design, but I don't really dislike it, it's a nice personally piece. I think wo jo upar hai wo main sab minus karke this sleeves and this I would have appreciated, yeah it's a little too overdone, it's too much happening, but otherwise it's not a bad design, it looks more like a costume bachcho ke upar main to appreciate karna chahungi, I think everyone is looking beautiful, very nice, and just keep on going, keep on working hard, and I wish you all the best. Rohit se Fahad ne bade acche se elaborate kar hi diya sara kuch, और बस हाँ मुझे भी थोड़ा सा बस ये फील हो रहा था कि थोड़ा जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे सिंपलिसिटी की, वो थोड़ा सा सिंपल हो जाए तो शायद और ज्यादा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिंपलिसिटी हर डिजाइन इज रियली, या आई लाइक दिस टाइनी लिटिल डिटेल्स एंड सिंपल एंड स्टिक टू द आइडिया ऑफ व्हाट शी हैड। देखिए आप लोगों का जो भी आइडिया हो जब उसकी जो फाइनल एग्जीक्यूशन होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपने इलस्ट्रेशन अच्छी दिखा दी लेकिन जब वो बन के आया तो उसमें इस चीज को फोकस करें कि वो बहुत अच्छा एक कंफ्यूजन नजर ना आए, तो फाइनल जो फाइनल प्रोडक्ट है सब, बल्कि आप फाइनल रिजल्ट सबसे पूछ के अनाउंस करें। जी हाँ जी, खुसर खुसर कर ले अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जब तक खुसर 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 कर ले, सर्टिफिकेट आपने देना है आज, और जूरी अब देखते हैं किसको फैसला देती है, एक हफ्ते के डिजाइन करेंगे आप कपड़े आराम से मेरे लिए, लेट्स सी, मेरे तो नहीं समझ आ रहा मैं किसको अच्छा कहूँ किसको बुरा कहूँ, मुझे तो ये भी वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, डिफरेंट है, ये बहुत प्यारा है, ये तो बहुत ही प्यारा है, रेड मेरा फेवरेट कलर है, समझ नहीं आ रहा। एनीवे हमारे साथ है सर्टिफिकेट फॉर एप्रिसिएशन, ये हम दे रहे हैं हमारी सुब की फिजा से, हम फर्स्ट अनाउंस करेंगे और मगर उसके अलावा बाकी सबकी एप्रिसिएशन जरूर करेंगे।
हमारे हिसाब से सारों ने बहुत मेहनत की इतने दिन चार दिन हमारे साथ और जजेस हमारे साथ मौजूद है लेट्स सी क्या होता है कौन है मेरा लारेब रबिल लारेब इधर टेक अराउंड वू जी आप भी एक बार जरा सामने ये भी फाइनल एक रिजल्ट टेक अराउंड ये ओके ये मुनीजा का है आउटफिट अच्छा जी आप अराउंड टेक अराउंड शर्जील का आउटफिट है कंप्लीट जो ऑलराइट आप आ जाइए राबेल हाँ इसकी स्टिचिंग वैसे राबिल बहुत प्यारी करवाई है बहुत फिनिश अब टोटल फाइनल किसको क्या रिजल्ट मिलता है आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहेंगे आपको तो सब बच्चे अच्छे लग रहे होंगे बिल्कुल हटके जी बिल्कुल जो कुछ वो पहनते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं और बच्चे बहुत उनका दिल धड़क रहा है स्टेप इंस्टीट्यूट जो है इसके बाद फिर बोला जी बिल्कुल इंशाल्लाह तो खावर साहब किसको फाइनल कर रहे हैं जी फहद और दिस विल टेक हाफ अ मिनट मोर हाफ अ मिनट मोर अच्छा और आपने अपना थोड़ा कुछ भेजा है और आप पेंटिंग के लिए अच्छा सो दीज आर न्यू टू फेसेस हो गया चले जी हमें वहाँ से भी इशारा है कि एक मिनट टाइम खत्म हुआ जा रहा है टाइम जी 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 रिजल्ट अनाउंस कर दें रिजल्ट ये है जी रिजल्ट है सबसे ज्यादा स्कोर है मुनीजा और आके सर्टिफिकेट ले लीजिए अपना जी बिल्कुल आप जीती हैं कॉन्टेस्ट बहुत बहुत मुबारक हो मुनीजा का उतर और आपके पास अच्छा और बाकी मार्क्स पे जो आए हैं वो है शर्जील शर्जील आ जाइए से कौन थर्ड है राबेल आइए जी क्या बात है सॉरी मैं जरा सही करना चाह रहा हूँ राबेल का दूसरा नंबर है ये ऊपर नीचे हो गया ये राबेल ये ले जी वापस करते हैं सर बेचारी जो है ना वो यहाँ पे मुनीजा जो है वो है विनर ही है मुनीजा विनर है भाई इसमें मेरे ख्याल यहाँ पे 18 मार्क्स है 17 मार्क्स है राबेल के और उसके बाद आते हैं लारेब लारेब थर्ड थर्ड
और अभी ऑब्वियसली आपको पता चौथा कौन है डिसहार्टेड जो भी है ये कंपटीशन ही था कीप ऑन डूइंग व्हाट यू गाइस आर डूइंग यू गाइस आर ऑल ग्रेट दैट्स व्हाई यू आर हियर टुडे एंड टेक इट एज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम यू हैव गॉटन एडवाइस फ्रॉम मी फ्रॉम खावर भाई फ्रॉम नूरे फ्रॉम और क्रिटिसिज्म ही आपको बनाता है फ्रॉम राबिया फ्रॉम सो मेनी पीपल और स्टेप इंस्टीट्यूट का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया हमें अपने स्टूडेंट्स दिए और बेस्ट स्टूडेंट्स वहां से हम पिक कर सके खावर साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि जब फैशन की बात हुई तो आपने पूरा शो कंडक्ट किया होस्ट किया इवन कैसा किया टेढ़ा मेढ़ा कभी देखता था बेस्ट जॉब ट्रस्ट मी इवन हम सब ने बहुत एंजॉय किया एंड वी वांट यू बैक खावर इन लॉ थैंक यू अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अब खुदाफिज भी जो है वो खावर साहब करेंगे थैंक यू एवरीवन खुदाफिज और अपना ख्याल रखें और पाकिस्तान का ख्याल रखें आहा लवली टेक केयर Blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva. Give it to me, Jalva. Give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and never let it down. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. Jismon ka hai ye Jalva. Kismon ka hai ye Jalva. Shohrat bhi nahi ye Jalva.